नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, तो कोशिश करते हैं जानने की उनकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो रखना है, बाकी का छोड़ देना है। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लेसमेंट हेल्प कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड आपको ज़रूर सेंड करना है गाइस। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं क्या हमें यहाँ पर मिलता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मैसेज रिसीव हुआ होगा। ठीक है, या तो कोई इस इंसान की किसी फ्रेंड की तरफ से आपको ये मैसेज मिला होगा। कहीं से ना कहीं से कुछ तो मैसेज आपको मिला है इस इंसान की तरफ से। ओके, या तो इस इंसान ने किसी के दोस्त के थ्रू आपको मैसेज किया है, या इस इंसान ने खुद आपको मैसेज किया है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। या तो इस इंसान ने शादी का वादा करके तोड़ दिया है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि या तो शादी का वादा करके तोड़ दिया, या बहुत ज़्यादा शादी को लेकर आपके पर्सन सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखो, इस इंसान के दिल में एक डर भी है, इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार भी है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप दोनों के बीच में परिवार हो सकता है। हो सकता है इंसान अपने परिवार से या तो बहुत डरता है, या तो ये अपने परिवार के आगे नहीं जाना चाहता। किसी किसी के लिए बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है। गाइस, बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन हो सकता है इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है आपके साथ। वो शादी को लेकर भी हो सकता है, वो फाइनेंस को लेकर भी हो सकता है। जब भी आपने इस इंसान को कमिटमेंट मांगा तो ये इंसान भागता रहा उस बात से, ये इंसान आपके सवालों से भागता रहा है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रात दिन आप उनके ख्यालों में हो। ये यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि इंसान चाहे आपसे दूर भी भाग रहा है, लेकिन इसके ख्यालों में रात दिन आप रहते हो। एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि इंसान आपको भूल नहीं पाता है। मुझे आप में से बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप इस इंसान से नाराज़ हो, क्योंकि इसने हमेशा ही वादों को तोड़ा है। इसने जो भी वादे किए हैं आपसे, उन वादों को कभी निभाया ही नहीं है। ऐसे आप में बहुत लोग हो सकते हैं। जो उम्मीदें आपको रही है इस इंसान से, ये इंसान उन उम्मीदों पर कभी खरा उतरा ही नहीं है। ये इंसान हमेशा आपसे दूर भागता रहा है गाइस। और आज आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को ये बात भी पता है कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और इस इंसान को ये बात भी पता है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाया है। जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना प्यार आप डिज़र्व करते हो, ये इंसान कभी वो प्यार, वो वक्त आपको दे नहीं पाया है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि आपने इस इंसान से कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ वक्त मांगा हमेशा। आपने इस इंसान को हमेशा ऐसा सोचा होगा कि आप हमेशा साथ रहोगे, या हमेशा आप दोनों बातें करते रहोगे। कुछ ऐसी एनर्जी है, हमेशा आपने इस इंसान को वक्त मांगा है। हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर कभी भी आपको वक्त नहीं दे पाए, और ये इंसान खुद इस बात को समझ पा रहा है कि उसने कभी भी आपको वो वक्त नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन हमेशा ही पावर दिखाते आए हैं आपके ऊपर, या हो सकता है किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो कि अगर आपने इस इंसान के ऊपर पावर दिखाई है तो ये इंसान इस बात से परेशान है। ये इंसान नहीं चाहता है कि आप उसको कंट्रोल करें। ठीक है, कोई भी किसी को कंट्रोल करे किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपको कंट्रोल किया जा रहा था तो इसके लिए ये इंसान खुद रिग्रेट है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप इस इंसान को कंट्रोल कर रहे थे तो ये इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि आप उसको कंट्रोल करें। वो इंसान अपनी मन की मर्जी चलाना चाहता है, या तो ये इंसान बहुत खुद पसंद है। इस इंसान ने कभी आपकी बातें मानी नहीं होगी, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा गाइस। बहुत कम लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे कि हो सकता है कि आपके पार्टनर
कुछ हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इनकी हेल्थ खराब है या इनके घर में किसी की हेल्थ खराब है। हो सकता है इनके पैसा बहुत खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर काटे जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ कुछ सोचा था, इस इंसान ने वो बात, वो विश इसकी अधूरी रह गई, वो जो सोचा था इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने कुछ ख्वाहिश देखी थी, कोई सपना देखा था और वो अधूरा रह गया है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इनके घर में किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, आपके पर्सनल हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं और पैसा भी खर्च हो रहा है इस इंसान का। और किसी किसी के लिए इस इंसान की खुद की हेल्थ खराब है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी भी यह है यहाँ पर कि गाइस आपके पर्सन ने अपने फाइनेंस के ऊपर काम करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान को सफलता नहीं मिल रही है। या अगर जब भी आपने शादी की बात की होगी, इस इंसान ने आपको यही सुनाया होगा कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं और उसके बाद वो शादी करेंगे। हमेशा इस इंसान ने आपकी बातों को टाला होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि इस इंसान ने हमेशा करियर का, ठीक है, करियर का आपको कुछ बताया होगा कि उनको बहुत आगे बढ़ना है, उनको रिच होना है, उनको सक्सेसफुल होना है और फिर वो शादी करेंगे आपसे। ऐसे कुछ बहाने बनाए होंगे या इसका सपना रहा है हमेशा से ही कि इसको बहुत आगे जाना है, इसको बहुत रिच बनना है, सक्सेसफुल होना है और उसके बाद ही वो शादी के बारे में सोचेगा। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। जब इस इंसान को पता ही था, ठीक है, जब इस इंसान को पता ही था कि वो शादी नहीं करेगा जल्दी, तो इसने आपको सपने दिखाने ही नहीं चाहिए थे। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान आपको सपने दिखाए और बाद में जब आप बात करने लगे शादी की, तो इसने अपनी जो उसकी जो ख्वाहिश है, उसके जो सपने हैं वो आपको बताए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, वो करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और पहले आपको शादी के सपने दिखाए। ऐसा कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, हर बार हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती गाइस। कुछ पैसों को लेकर आपके पर्सन बड़े हैरान हैं, परेशान हैं, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके लाइफ में है और इस इंसान के लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्शन भी हो रहा है आपके पर्सन को आपके लिए। देखो इस इंसान के लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, फाइनेंशियल हो या जो भी इनकी भागदौड़ चल रही है, ठीक है, तो वो जो हालात हो रहे हैं, वो जो सिचुएशन है इनके ज़िंदगी में, उसका असर भी आपके रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है गाइस। देखो जब इंसान की ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं है, जब इंसान का कोई सपना पूरा नहीं हो रहा है या ये इंसान बहुत बेहाल है, उसके खुद के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके घर में बहुत इशू है, तो इंसान के मन में शांति नहीं। और जब इंसान के मन में शांति नहीं, तो उसका मतलब क्या मन लगेगा, ना आपके साथ बात करने को मन लगेगा, ना इस रिश्ते में आगे बढ़ने को मन लगेगा। उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। देखो एक तरफ अगर ये इंसान आपसे शादी कर भी लेता है, तो इसको ऐसा लगता है कि फिर जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अगर ये इंसान खुद कुछ कमाता नहीं है या इस इंसान के जो सपने हैं वो अभी पूरे नहीं हुए, इस इंसान को डर लगता है शादी के नाम से, इस इंसान को बड़ा डर लगता है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने अगर आपको शादी का वादा किया है, तो फिर से आपको एक बार मतलब पूछना चाहिए इस इंसान को कि क्या सच में शादी करेगा, क्योंकि शादी को लेकर बहुत हो सकता है कि इस इंसान को डर लगता है या ये इंसान को हमेशा डर लगा रहता है कि वो इस जिम्मेदारी है आपकी, उस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाएगा। कुछ ऐसे डर आपके पर्सन के मन में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसा कुछ काम करते जो हमेशा ही इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, ठीक है, या इनके लाइफ में बहुत चेंज आते हैं। हमेशा से ही आपने देखा होगा कि ये इंसान जो सोचता है वैसा होता नहीं है, या आपकी लव स्टोरी में ये हमेशा होता है कि जो आप दोनों ने सोचा वो कभी हुआ ही नहीं। मतलब आप दोनों ने बहुत सपने देखे, आप दोनों ने बहुत डिसाइड किया, मतलब छोटी छोटी बातें भी सोचोगे कि अगर छोटी छोटी बातें भी आप सोचते हो कि आपको यहाँ घूमने के लिए जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो होता नहीं है। मतलब आप डिसाइड करते हो और बातें सारी फेल हो जाती हैं। मतलब आप जो सोचते हैं वैसा कुछ इस रिश्ते में होता ही नहीं है, बनी बनाई बातें बिगड़ जाती हैं, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। अब हम टैरो से जानते हैं गाइस। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है, कर दो लाइक कर दो, इतना तो हक है मेरा, मेरे व्यूवर्स के ऊपर लाइक करना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है। देखते हैं
क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आपके ये लाइक्स ही मुझे शक्ति देते हैं, पता है। ओके, यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, मुझे पहले ही यहाँ पर कैंडल बॉक्स में मैंने बोला था कि कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब देखो क्या हुआ है कि इस इंसान को या तो रिजेक्शन का डर है, या तो ये आपको हो सकता है कि आपको पता है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको पता है शायद इस इंसान का परिवार थर्ड पार्टी है, या मुझे तो ज़्यादातर इस इंसान का करियर या परिवार ही थर्ड पार्टी यहाँ पर लग रहा है। मुझे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी कैंडल बॉक्स में तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है गाइस, ठीक है। हर किसी के लिए वो अलग बात है। आपके पार्टनर की इस वक्त क्या हालत हुई है कि इंसान पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है पास्ट में, ओके। वो सारी बातें आपके पार्टनर को याद आती हैं। हो सकता है आप दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते थे, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। इस इंसान को सारी बातें बहुत बहुत याद आती हैं और उनका मन भी करता है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनको भाव नहीं दोगे। अगर इस इंसान ने हमेशा ही कमिटमेंट को लेकर आपसे भागने की कोशिश की, अगर शादी की बात आपने निकाली तो इस इंसान ने भागने की कोशिश की, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा कि इसने हमेशा ही आपकी बातों को नहीं माना है। तो अब इस इंसान को डर लगता है कि क्या आप इसकी बात मानोगे। ये इंसान तो आपके साथ मिलना चाहता है, घूमना चाहता है, इस इंसान को आपकी बहुत याद आ रही है, आपके पर्सन बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं, लेकिन रिजेक्शन का डर है और बहुत आपके बिना वो डल और बोरिंग सा भी फील कर रहे हैं। मतलब खुश नहीं है ये इंसान आपके बिना, ठीक है। इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन हो सकता है कि इसकी कोई मजबूरियाँ ऐसी रही है जिसके लिए इस इंसान ने हमेशा आपसे दूर भागा, ठीक है, हमेशा कमिटमेंट से भागता रहा ये इंसान। इसकी कोई मजबूरी हो सकती है। और देखो सिक्स ऑफ वांड्स, देखो आपके पर्सन आपको जीतना चाहता है, वो इंसान खुद भी आपको हारना नहीं चाहता है, वो इंसान खुद भी आपके प्यार को हारना नहीं चाहता है, ये इंसान आपको जीतना चाहता है, आपके प्यार को जीतना चाहता है गाइस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है यहाँ पर, ओके। और ये रहा आपके पर्सन का प्यार। देखो प्यार तो है, फिर क्यों भागता है ये इंसान आपसे, इस इंसान को क्यों डर लगता है आपसे। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार भी है। ये इंसान इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहता है, वो सक्सेसफुल भी बनाना चाहता है इस रिश्ते को, लेकिन उसको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसकी ज़िंदगी में, उसको स्टेबल होना है, उसको अपने फाइनेंस पर काम करना है, वो खुद चाहता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप खुद कमाते हो, ये इंसान नहीं कमाता है, तो ये बात भी इस इंसान को, मतलब क्या होता है ना कि एक ईगो हर्ट हो जाता है इस इंसान का कि अगर आप कमाओगे और ये इंसान कुछ नहीं कमाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसको ऐसा लगता है कि प्यार तो वो करेंगे, ठीक है, प्यार तो वो आपसे करते ही हैं, वो इस रिश्ते में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ फाइनेंस को लेकर किया जाए, मतलब कुछ करियर में आगे बढ़ा जाए। अब तक अगर आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी, तो आपके पर्सन को आपकी वैल्यू हो रही है, आपके पर्सन इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपका होना कितना ज़रूरी है, या कमिटमेंट के लिए आपको ज़रा इंतज़ार करना पड़े। ये कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम है इस इंसान की कि इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ओके, जबकि वो इस रिश्ते में जीतना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। राशि टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और फायरी भी है आपके पर्सन, ठीक है। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस वक्त उनके लिए क्या गाइडेंस है, आप क्या बताना चाहते हो उनको इस वक्त। सबसे पहला मैसेज आपको मिला है कि आपको पास्ट के एनर्जी से लेट गो करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर रहे हो। हो सकता है कुछ पास्ट की ऐसी बातें हैं जिसमें आप अटक चुके हो, आपको अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन आप हो कि पास्ट के एनर्जी में अटक चुके हो, लेट गो नहीं कर रहे हो। एक न्यू विजन, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो गाइस, उसी पास्ट की एनर्जी में इतने ज़्यादा स्टक हो गए हो कि आपको अपने खुद के जो सपने हैं आपके, ठीक है, आप उन सपनों पर भी काम नहीं कर रहे हो,
आपको जिस बात की एक नई शुरुआत करनी है, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे जो भी आपके सपने रहे हो, आप उस बात के लिए भी नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ रियलाइज होने वाला है। जो बातें आप समझ नहीं पा रहे थे वो बातें भी आप समझोगे। स्लोइंग डाउन यहाँ पर जो आया है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप स्टेबिलिटी के इंतज़ार में हो, ठीक है, या आपके पर्सन जो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है इसके बारे में आप बहुत चिंता करते रहते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर राइज आई है। कंपेयर नंबर 5 दो बार आया है यहाँ पर, डबल 5 की एनर्जी है, ठीक है। नंबर 5 खास हो सकता है आपके लिए, और यहाँ पर देखो एक सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते की होने वाली है। पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ बातें छुपाई गई है आपसे, इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई हैं, थोड़ा अलर्ट रहने की भी आवश्यकता है। देखो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपसे बातें छुपाई गई हैं। ये इंसान हमेशा ही ऐसा है कि वो ना दिल की बात जल्दी बोलता नहीं है, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने आपसे बातें छुपाई, लेकिन ये इंसान सच्चाई के साथ नई शुरुआत करेगा। हो सकता है कुछ बातों के लिए आप इतना ज़्यादा कंपेयर करना शुरू कर देते हो, या आपने खुद की ज़िंदगी को बहुत दूसरों के साथ कंपेयर किया है हमेशा ही, तो ये क्या कर रहे हो आप? दूसरों के साथ कंपेयर करके कुछ ठीक नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ करना है तो खुद के बारे में सोचो, आप यूनिक हो, आप ग्रेट हो, आप सबसे हटके हो, तो दूसरों को कंपेयर करके कुछ नहीं फायदा होने वाला, ठीक है। और पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें होने में वक्त लगता है, बुरी चीज़ें होने में बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसे वक्त लगता है, और वही पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।